इसे ऐसे धागे के ऊपर से डाला, धीरे से खींच लिया, फिर से इसके अंदर से और फिर धीरे से खींच लिया। तुम कोशिश करना चाहोगी? हाँ। ध्यान से, हाँ, संभाल के, ध्यान से, चुप ना जाए कहीं। अब इसको रुको, इसे धागे को ऐसे और फिर खींचो। ये तो कितना इजी है, मैं तो एमी लोड लेगी। रावी जी, बाऊजी आई। ये बात में भी क्या झूठ बोलने की बात होती है? अरे बात, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं अभी माता रानी के नाम से दीपक जला के आती हूँ। बिल्कुल जलाओ जी, जलाओ जी। सिंधु, बाबूजी किस बच्चे के बारे में बात कर रहे थे, तुम्हें कुछ पता है? हाँ भाभी, वो रावती के बच्चा है ना, उनके बारे में बात कर रहे थे। वो अपने पापा के साथ ही रहता, उसे कोई यहाँ लाता ही नहीं, इसलिए उसे लाने के लिए ताऊजी और राविदी केस लड़ रहे। पता नहीं रब जी, जीजी अपने बच्चे के बिना कैसे रह रही है। बचपन से देखती आई हूँ, गुड्डे गुड्डे के हर खेल में तुझे को दुल्हन बनना होता था। वो मेहंदी लगाना, इतनी सारी चूड़ियां पहनना, लाल दुपट्टा पहनना, और तुझे मालूम है विदाई के वक्त तो सचमुच में रो देती थी, और वे खेल खत्म होने के बाद मेरे पास भाग के आती थी और कहती थी, माँ और वैसे भी मुझे पापा पे अब कोई भरोसा नहीं। हद ना पार कर छोटी, तेरे पापा दुनिया के लिए कितने ही बुरे इंसान क्यों ना, लेकिन तुझ पर जान छिड़कते हैं, कुछ भी करेंगे तेरे लिए। छोटी सुन मेरी बात, मैं जानती हूँ छोटी, किस्मत ने सोमू के साथ जो गंदा खेल खेला है उसकी वजह से हम तेरी जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकते ना। सोमू की खुशियों के लिए मैंने अपना रिश्ता, अपनी जिंदगी, सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन तेरी जिंदगी दांव पे नहीं लगाऊंगी। हाँ, मैं सारे कागजात लेके थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। ओके। पानी किसने फैला रखा है यहाँ? हाय रब्बा, वो चोट वोट तो नहीं लगी? और प्रीत, तो ये झील क्यों बना रखी है यहाँ? और चोट लग सकती थी। ओ कोई ना, इतने से पानी से कुछ नहीं होता है। मैं पोछा लगवा देती हूँ और बाम शाम भी लेकर आती हूँ, वो दर्द बढ़ ना जाए। संभल कर जा। Oh, 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 oh,
सुनिए जी, अंदर आ जाइए, मैं इसमें दवा लगा देती हूँ। मेरे दर्द का इलाज तुम्हारे मरहम से नहीं होगा। केयर वेयर करने की जरूरत नहीं, अगर कुछ करना ही है तो ये पानी साफ करो। हरमन इतने रूखे से क्यों बात कर रहा है सौम्य से? ये मामूली झगड़ा है, ये इनके रिश्ते में सच में कोई खटास है? मैंने आज ही पता करना होगा। हेलो हेलो हेलो, वो कोई बोलता क्यों नहीं? है कि फोन काट देता, कौन हो सकता? अरे यार, इस सुरभि का फोन कोई और क्यों उठा रहा है? फिर ट्राई करता। वाह, एक कुड़ी का फोन भी ना। हेलो हेलो, वो फोन किता है तो कुछ बोलो भी ना। हेलो रब्बा, एक बार इस लड़की के हाथों में हथकड़ियां लग जाए ना, उसके बाद इस बिना आवाज वाले सारे फोनों के चक्कर ही खत्म कर। ऐसे तो सारी जिंदगी निकल जानी है फोन लगाने और काटने में। मम्मा, आपने बुलाया? खाने में कुछ और बनाना है जी, आप कहीं तो कुछ और। मैं क्या पितर, मैं क्या तुझे सिर्फ काम के लिए बुलाऊंगी? ओ ये देख, इत्र की बोतल कब से मेरे पास रखी हुई थी, आज निकाली। ओ मैंने रावी को लगाई, उसे बड़ी अच्छी लगी खुशबू, मैंने भी बहुत पसंद है, मैंने सोचा तुझे भी लगा लूं। ये देख, अच्छी खुशबू है ना? जी मम्मी जी, खुशबू तो बहुत अच्छी है जी। ओ जब भी तेरा मन करे ना, आकर ले जाया करना मेरे पास से। चंगा जी, अब मैं। हाँ चल। हरमन और सौम्य के रिश्ते विच केड़ी कंद मची है, अब ये इत्र की खुशबू ही मैनू बताएगी। आज की रात, बस आज की रात है, कल सुबह दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना। कहाँ चली गई जी तू, और लाइट क्यों चालू छोड़ के गई? पता है ना मुझे लाइट में नींद नहीं आती। सॉरी जी, वो मम्मी जी ने कुछ काम से बुलाया था।
मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ, आप सोइए। प्रीतो ने बुलाया था? क्यों? जी वो इत्र लगाने के लिए। इत्र लगाने? वो भी इतनी रात को? प्रीतो को भी नए नए शौक चढ़ते रहते। लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। जी करती हूँ। है ना? चली तो है, बस देख लीजिए। अब और कहाँ ढूंढूं? कपड़े तो यहीं रखे थे। तो ये कपड़े लेकर के थे चल? मम्मी जी ये मैले कपड़े हैं, धोने में डाल रही हूँ। तो इनमें से हरमन के कपड़े मैंने दे। सोमना नहीं रखे होंगे कपड़े कहीं पे। हजार बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाएगा, पर नहीं, उसने तो सुनना ही नहीं। ये मैं हाथ से नहीं धोने वाली हूँ, मशीन में डाल दूंगी। आप लोगों के भी अगर कोई मैले कपड़े हैं तो दे दीजिए, मैं सब साथ में डाल देती हूँ। हाँ है ना, मैं वो नहीं, मतलब नहीं है। मैं हरमन के कपड़े अपने हाथ से धोती हूँ ना, इसे तू मैंने दे। ठीक है मम्मी जी, तो मैं उनके कपड़े अलग से खुद धो लूंगी। आप तो हक भी मुझसे छीन लेगी जी। मैंने तो अपने पुत्र का विवाह करा के उसे पराया ही कर दिया है। अब क्या अपने पुत्र के कपड़े धोने के लिए मुझे उसकी बूटी से परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं मम्मी जी, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था जी। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि मेरे होते हुए आप क्यों काम करेंगे? काम काम नहीं है जी, ये तो मेरा प्यार है मेरे हरमन के लिए। तू नहीं समझेगी, जब माँ बनेगी ना तब समझ में आएगा। ओ ये तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है बेटा। घर में वॉशिंग मशीन है, काम वाली भी है, और प्रीतो कभी अपने हाथों से तो कपड़े धोती नहीं, तो आज क्यों धोने लगी? वो भी सिर्फ मेरे कपड़े। सॉरी जी, वो मम्मी जी ने कुछ काम से बुलाया था। क्यों? जी वो इत्र लगाने के लिए। तू एक काम कर, तू मुझे कल रात के ही कपड़े दे दे उसके। सोम्या, मेरे कपड़े कहाँ हैं? और तुम यहां बातों में लगी हुई हो? अरे मुझे मेरे कपड़े लाके दो। कपड़े अभी। जी जी मैं आई। मम्मी जी नजर आती हूँ। ओए दलजीते, ओ की गल है यार, कब से बोल रखा है तुझे, अब तक एक भी रिश्ता नहीं ढूंढा गया तुझसे। महेंद्र पाजी वो क्या है ना, सुरभि तो बहुत अच्छी बच्ची है, लेकिन
दिलजीत तू भी ना यार, तू भी उस दिन की बात दिल पर लेकर बैठा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है यार, तो जानता है ना आजकल के बच्चे शादी टालने के लिए कोई भी बहाना बना लेते हैं यार। अरे कोई चक्कर वक्कर नहीं है, मैं कह रहा हूँ तुझसे। पक्का है ना? सुरभि को इसका कोई एतराज तो नहीं होगा? ओए पाजी, पूरे पिंड विच इज्जत कमाई है और उसी इज्जत से दो वक्त की रोटी कमाता हूँ। अगर एक बार इज्जत उछल गई ना तो और रिश्ते ना करवाऊंगा मुझसे। अरे मैं कह रहा हूँ ना तुझसे, ऐसी कोई बात नहीं है यार। अरे मैंने सुरभि से भी बात कर ली है, वो भी तैयार है। बस तो जल्दी से जल्दी चंगा से चंगा रिश्ता लेकर आ जा। मेरी नजर में अच्छे अच्छे रिश्ते हैं, बस उनसे बातचीत करता हूँ। हाँ ये हुई ना बात। चल ठीक है, मैं कल तेरा इंतजार करता हूँ। सत श्री अकाल। शास्त्री अकाल। ओए निम्मी, ओ छेती आ। क्यों होया? ओ दलजीते से बात की मैंने भी। क्यों होया? सुरभि के लिए रिश्ता लेकर आ रहा है लड़के वालों के साथ। ऐ तो बड़ी चंगी गल है। सुरभि को कल तैयार कर ले। और एक और बात, मुझे उस दिन की तरह कोई नाटक नहीं चाहिए। तुसी चिंता ना करो, मैंने उससे गल कर ली, वो कोई पंगा नहीं करेगी। सॉरी जी, वो सारे कपड़े एक साथ पड़े थे, मुझे लगा मैले हैं, मैं धोने के लिए लेकर गई। हाँ तो अगली बार ऐसा कुछ भी लगे तो मुझसे पूछ लेना, साइड में फ्रेश कपड़े भी पड़े थे। अच्छा सुनो, कल रात को जो तुमने कपड़े पहने थे, साड़ी ब्लाउज कहाँ है? कल रात को जो तुमने साड़ी ब्लाउज पहना था वो कहाँ है, मुझे दो अभी। पॉलिटिक्स? हाँ देखो, प्यार और पॉलिटिक्स ये दोनों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं। प्यार में दिल लगाया जाता है और पॉलिटिक्स में दिमाग, और यहाँ तो प्यार के चक्कर में पॉलिटिक्स की जा रही है। इसे दिल और दिमाग दोनों खुले रखने पड़ेंगे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया जी। अरे ये गणित की क्लास चल रही है क्या कि मैं जो भी बोलूंगा तुम्हें सब समझ में आना चाहिए? तुम जाके ये कपड़े प्रीतो को दो, ठीक है? अब जाओ, मैं कपड़े पहनू नहीं पहनू? वो दे दिया ना हरमन को जो वो मांग रहा था। ला तू उसके कपड़े दे दे मैनू, और सारी दे दे। मियाँ बीवी के बीच कल रात कुछ हुआ होगा तो हरमन के कपड़ों से भी वही खुशबू आएगी जो इधर मैंने कल सौम्य के कपड़ों पे लगाया था। प्रीत तो भले ही तू मेरी माँ है, पर ऐसी खुराफातों में मैं पूरे घर वालों का बाप हूँ। अब तू देख तेरी हर पॉलिटिक्स का जवाब मैं कैसे प्यार से देता हूँ। आ रही है इत्र की खुशबू? हाँ तो रही है, पर सिर्फ टी शर्ट के एक ही कोने से। एक कोने से? अगर इन दोनों के बीच कुछ हुआ होता तो। पूरे कपड़ों में से आनी चाहिए ना खुशबू। कुछ तो नाटक कर गया हरमन, आखिर है तो मेरा ही पुत्र, पर पुत्र मैं भी तेरी माँ, हार तो मैं भी नहीं मानने वाली, पतवार लगा कर रहूंगी। रावी, टेलर मास्टर को फोन करके बुला। जी मैं लगा के आती हूँ।